गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा वायरल गर्ल की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, जैसे फैमिली हाउस, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर, कार कलेक्शन, बॉयफ्रेंड एंड नेटवर्क। अपनी दोस्त की शादी में मेरा दिल ये पुकारे गाने पर ठुमके लगाने वाली पाकिस्तानी लड़की आयशा ने अब एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी है कि उनके सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं। गाइस, आप भी इस लड़की को जरूर अभी ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे, और जो कि ये लड़की पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और जो गाने पर ये डांस कर रही है वो सॉन्ग इंडिया का ही है जिसे लता मंगेशकर ने उनके समय में गाया था। पर आज इस लड़की ने लता की उन सभी यादों को एक बार फिर लोगों के दिलों में ताजा कर दिया है। दरअसल वो गाना साल 1954 में आई फिल्म नागिन का था। पर ये सब तो ठीक है, आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ रहती है, इनका रियल नेम क्या है, इनकी फैमिली हाउस, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर, और ये कितनी अमीर है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये लड़की की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो इस लड़की को लेकर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इनके रियल नेम एंड निक नेम के बारे में बता देता हूँ। तो इनका रियल नेम आयशा है एंड निक नेम मैनो है। आयशा प्रोफेशन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड टिकटॉकर है। अब हम जान लेते हैं आखिर ये लड़की वायरल कैसे हो गई। कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी लड़की आयशा के साथ हुआ कि जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्त की शादी में किए हुए डांस का वीडियो शेयर किया था, और ये गाना रातों रात इतना वायरल हुआ कि वो आज पाकिस्तान में सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जा रही है। उन्होंने मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पर शानदार अंदाज में डांस किया है। उनका वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, ये गाना टिकटॉक पर भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आयशा का शानदार डांस कई लोगों को पसंद आया है, कई लोगों ने इनकी वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर किया है, और अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इस गाने पर वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, आयशा का जन्म 2003 में लाहौर पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, और आज आयशा 2022 के हिसाब से पूरी 19 इयर्स की हो चुकी है। आयशा की अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनकी इंस्टाग्राम आईडी का नाम क्या है। अब मैं आप लोगों को इनकी फैमिली एंड बॉयफ्रेंड अफेयर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आयशा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके इस गाने के वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर बढ़े हैं। आयशा के टिकटॉक अकाउंट पर भी लाखों में फॉलोअर्स हैं। उनके हाल ये क्लिप को टिकटॉक पर 40 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आयशा का रिलेशनशिप विद मुजम्मिल वाली से है, वो इनके बॉयफ्रेंड है। मुजम्मिल वाली एक पाकिस्तानी मॉडल है, और दोस्तों बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें तो नहीं मिल पाई है। बस हम उनके फोटोज को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। और गाइस, जैसे ही हमें आयशा के बारे में कुछ अपडेट्स मिलती है तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, जैसे इनकी फैमिली के बारे में और इनके कार्स कलेक्शन, और ये कितनी ज्यादा अमीर है, इनकी इनकम कितनी है, और ये क्या काम करती है, ये सब सारी अपडेट मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप इस लड़की को पसंद करते हो तो प्लीज हमारे चैनल सेलिब्रिटी 7 स्टार को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।